हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सलमान खान की फिल्म भारत के 31 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपको बता दें, कबीर सिंह फिल्म और आर्टिकल 15 भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुए है, लेकिन सिर्फ 350 स्क्रीन पर मौजूद होने के बाद भी भारत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। सलमान खान और कैटरीना कैफ की यह दूसरी फिल्म है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। इससे पहले रिलीज हुई टाइगर जिंदा है भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई थी। वहीं टाइगर जिंदा है ने लाइफ टाइम 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। अगर भारत फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भारत फिल्म ने 28 दिनों में टोटल 219 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 29वें दिन 32 लाख रुपए कमाए और फिल्म का 30 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छा रहा। भारत फिल्म ने अपने 30वें दिन 28 लाख रुपए की कमाई की। वहीं भारत फिल्म का 30 दिनों का टोटल कलेक्शन 119 करोड़ 88 लाख रुपए हो गया है और भारत फिल्म आज 120 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। अगर फिल्म के आज की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की बात करें तो फिल्म की सुबह की ऑक्यूपेंसी लगभग 8 से 12% थी और दोपहर के बाद फिल्म की ऑक्यूपेंसी में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई और फिल्म की ऑक्यूपेंसी लगभग 14 से 18% रही। दोस्तों, भारत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 220 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी, लेकिन आपको क्या लगता है, भारत फिल्म लाइफ टाइम 230 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और सलमान खान और भारत फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी सबसे पहले।